आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग से। मतलब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। आज के वीडियो में मैं तो पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग में, बस एवं मैं ऊपर ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का दूंगी। मतलब डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, स्कोप, फीचर्स, प्रिंसिपल्स। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा उसमें मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे डिटेल शेयर करूंगी। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ मैनेजमेंट आईक्यू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है? जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस के सारा ट्रांजैक्शन को हम लोग समराइज कर रहे हैं। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अकाउंटिंग के, आप उसे देख सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन को हम लोग समराइज कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग बस वो पार्ट है जिसमें हम अपने लेबर्स और अपने मैन्युफैक्चरिंग है उसे लेता है। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स द मैने मटेरियल यूज एंड लेबर एम्प्लॉयड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी और एन पार्टिकुलर जॉब। मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ होल बिजनेस, बट कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, और जो फिर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना मटेरियल और लेबर यूज किया है उसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ना उसमें एक पार्टिकुलर यूनिट का, जैसे एक कंपनी में ब्रेड बन रहा है तो उस सिर्फ एक ब्रेड का ही हम लोग, मतलब एक यूनिट ब्रेड का, एक डब्बे में कितना ब्रेड फिट हो रहा है, मान लीजिए 12 हो रहा है, तो वो 12 ब्रेड का ही हम लोग सिर्फ कॉस्ट निकालते हैं। वो पूरा यूनिट, पूरा इंडस्ट्री का हम लोग कॉस्ट नहीं निकालते, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहते थे। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ एक चीज का, हम लोग पार्टिकुलर गुड्स का या पार्टिकुलर आउटपुट का हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक यूनिट तैयार करने में हम लोगों को कितना कॉस्ट लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला कहता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब वो कैसे? तो ब्रांच ऑफ नॉलेज ऐसे हुआ फ्रेंड कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है आप उस पर सर्वे करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो ये आपको नॉलेज इंक्रीज करता है कि हाँ भाई इसमें इतना नेट वेट है, इतना प्रोडक्ट है, इतना कैलोरीज है, इतना, तो ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है, आपका नॉलेज इंक्रीज करता है सेकेंड प्रोसेस के लिए। दूसरा है कि इट इज एन साइंस। अब साइंस क्या है? तो साइंस एक, साइंस का मतलब होता है कि जिसमें बना बनाया थ्योरीज है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा ही होगा ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, तो ये सब बना बनाया जो साइंस लॉ है उसे हम लोग कहते हैं साइंस। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बना बना है कि भैया हमें सिर्फ एक गुड्स का कॉस्ट निकालना है, पूरे इंडस्ट्री का नहीं निकालना है, तो इसको कहते हैं इट इज एन साइंस। आगे है इट इज एन आर्ट्स। अब आर्ट्स कहते हैं, तो आर्ट्स हम लोग कहते हैं क्रिएटिविटी को, इनोवेटिव आइडिया को हम लोग कहते हैं आर्ट्स। जो हम लोग न्यू चीज सोच के बनाते हैं उसको कहते हैं आर्ट्स। तो अब ये आर्ट्स कैसे? तो आर्ट्स इस तरीके से हो गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग न्यू, जो न्यू चीज भी प्रोड्यूस होता है तो उसको भी चेकआउट करते हैं, क्रिएटिविटी, न्यू तरीके से कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, तो इसको कहते हैं इट इज एन क्रिएटिविटी ऑल्सो। फोर्थ है कि इट इज एन प्रोफेशन। अब प्रोफेशन कैसे? तो भैया प्रोफेशन सिंपल है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग आप काम कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कॉस्ट अकाउंटिंग का जॉब आपको मिला हुआ है कि भैया आपको जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है उसका कॉस्ट निकाल के हम लोगों को देना है, तो आपको उसके बदले सैलरी मिल रहा है, तो ये एक प्रोफेशन भी होता है। तो अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहला जो स्कोप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी कॉस्ट एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म या एक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उसे रिकॉर्ड करने को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। आगे है कॉस्ट असेसमेंट, मतलब डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा। मतलब उस डाटा पे कॉस्ट को डिटरमाइन करना जिस पर वो एक्चुअली में बना है। मान लीजिए कि आपने एक पेन बनाया है, एक पेन आपने बनाया है, उस पेन का टोटल ओवरऑल कॉस्ट होता है 50 रुपया, ठीक है, लेकिन आप जब इंडस्ट्री में उसे बनाते हो तो उसका इफ मतलब बहुत से ज्यादा उसको 10 रुपया लग रहा है बनाने में। तो ये जो एक्चुअल कॉस्ट होता है ना इसको कैलकुलेट करने बोलता है, ना कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। आगे है कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग।
तो जो कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग होता है ये डिफाइन एज दोज कॉस्ट पेड और हैव टू बी पेड नो मैटर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ये वो कॉस्ट को डिटरमाइन करता है जो वो जो पेड हो भी चुका है या फिर पेड नहीं भी हुआ है, लेकिन वो डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन लेवल सिर्फ. तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग. आगे है कॉस्ट सिस्टम. तो ये जो होता है एस्टिमेट करता है प्रोडक्ट ऑफ फॉर प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब ये जो प्रोडक्ट हमने पेन बनाया है 50 रुपए का, जिसका नेट वर्थ हम लोग लिखे हैं डब्बे पे, उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितना लॉस होगा, ये होता है कॉस्ट सिस्टम. तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो इसमें आगे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. अब प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब जो कंपनी में हो रहा है उस पर सिर्फ बेसिस होगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग. मतलब जो काउज है, कारण इफेक्ट, उसके जो सामने से रिएक्शन आ रहा है, उसी बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग बनता है. नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल चार्ज ऑफ कॉस्ट ओनली आफ्टर इट्स इंक्रेंस. मतलब जितना भी कॉस्ट चार्ज होगा, जितना भी कॉस्ट हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पुट करेंगे, लिखेंगे कि हाँ इतना खर्चा हुआ है, वो आफ्टर इट इंक्रेंस ही लिखेंगे. आगे है पोस्ट पास्ट कॉस्ट कुड नॉट बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट. मतलब जो पुराना पिछले साल का जो हमारा कॉस्ट है, मान लीजिए पिछले साल आपका टोटल कॉस्ट हुआ 2000, अब वो 2000 को इस साल हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. क्यों? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टिकुलर गुड्स का बनता है, ना कि सब चीज का. तो सिर्फ हम लोग इसी ईयर का या इसी मंथ का प्रोडक्ट का कॉस्ट हम लोग सिर्फ लिखेंगे, हर टाइम का कॉस्ट का हम लोग नहीं लिखेंगे. फोर्थ है एक्सक्लूजन ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट. मतलब एबनॉर्मल कॉस्ट से, कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट से, उसको मतलब क्लियरली एबनॉर्मल जो कॉस्ट होता है उसको कॉस्ट अकाउंट में फॉर्म नहीं करते, उसको हटा देते. एबनॉर्मल कॉस्ट हम लोग ऐड नहीं करते कॉस्ट अकाउंट में. उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री शुड बी फॉलो. ये जो डेबिट और क्रेडिट का फंडा आपने देखा फाइनेंशियल अकाउंट में, जो मैंने आपको बताया कि लेजर जनरल ये सब डबल एंट्री सिस्टम पर बनता है कि अगर एक जगह डेबिट है तो दूसरी जगह क्रेडिट होएगा, वो सिस्टम कॉस्ट अकाउंट में भी फॉलो होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. You can share this video to the needy one if you like it, and don't forget to subscribe and press the bell icon. And if you have any query, you can ask it in the comment section. And once more, don't forget to subscribe and press the bell icon, friend.